मैहर में एक ईंट भट्टे से पति पत्नी की लाश मिली है। इस दंपति की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बतूरा गांव से लगे रूपगंज में ईंट के भट्टे के पास पति पत्नी की लाश पड़ी मिली। इस तरह संदिग्ध हालत में दो शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टा में काम करने वाले रामू कोल और उनकी पत्नी ये शव हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर मेयर एसपी सुधीर अग्रवाल, मेहर टीआई अभिषेक द्विवेदी मामले की जांच में जुट गए हैं। अभी तक हत्या के संबंध में कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। रीवा रेंज के डीआईजी ने बताया कि दोनों मृतक ईंट बनाने के लिए रात में आए थे, उसी दौरान इन पर हमला हुआ। आरोपियों ने चेहरे पर ईंट से हमला किया है। ईंटा पाथने का जो वर्ड है, यहाँ ईंटा पाथने आए थे रात में, सुबह कुछ लोगों ने देखा डेड बॉडी। अभी मामला अंदर इन्वेस्टिगेशन है और लगे हुए हैं सब लोग, और कोई ऐसा कोई खास स्पेसिफिक मोटिव नहीं समझ में आ रहा, कोई छोटी मोटी बात ही समझ में आ रही है। ईंट ईंट से जैसे ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है ना, हार्ड एंड ब्लंट, ईंट मारा है, या तो एक को मारा दूसरा भागा, तो वो जानता था कि ये कौन है। अक्सर ऐसी घटनाओं में एक ही चीज़ होती है दोनों में, कि जब पहचान का आदमी होता है, जब आदमी उसको पहचान जाता है कि ए बी सी इसने मारा, तो वो कल को पुलिस में न पहुंच जाए इसलिए उसको भी मार देता है आदमी। तो निश्चित तौर पर कोई इनका परिचित ही संदेही है, और एसपी साहब और पूरी टीम लगी हुई है, निश्चित शाम तक गुड न्यूज़ मिलनी चाहिए। देखिए, अब जब तक पीएम नहीं हो जाए तब तक इंटेक किया है कि नहीं वाइन या शराब, वो बताना मुश्किल है, पहले पीएम हो जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।